अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कराची अपडेट्स के साथ मैं हूं आसिम अहमद खान। दोस्तों, जमहूरियत की मां कहलाती है बल्दियाती इंतखाबात। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला एक बार शुरू हो चुका है। पहला फेज सिंध के हवाले से मुकम्मल हो चुका है अंदरून सिंध में, और कराची में 24 तारीख को 24 जुलाई को इंतखाबात का अमल जारी रहेगा। इस सिलसिले में आज हम मौजूद हैं UC3 लांडी टाउन में, और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आता है। यहाँ पे MQM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, उसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इस UC3 के लिए। तो चेयरमैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जनाब नैयर अब्बास चेयरमैनशिप के उम्मीदवार हैं, और वाइस चेयरमैन हैं रईस अहमद एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का भाई हमसे बात करने का। पहले ये बताइएगा, आप माशाल्लाह एक प्रोफेशनल वकील हैं, सही है? इस इलाके के मसाइल थोड़े से बताइएगा, कौन कौन से मसाइल हैं, और MQM पाकिस्तान को ही आपने क्यों चुना कि MQM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको लगता है कि आप आवाम की खिदमत कर सकते हैं? असल में MQM एक कराची की पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, और ये ऑलरेडी ये हमारे शहर में कराची में मेयर वगैरह दीगर अहदेदार रह चुके हैं, तो उनका वर्क जो था वो कराची के लिए बेहतर था, इसलिए हमने सेलेक्ट किया गया इसमें मुत्तहदा में इलेक्शन, और ऑफ़र भी थी हमें कि यहाँ से इलेक्शन लड़ने की, तो उसको ऑफ़र को कबूल करते हुए हमने बेहतर समझा कि यहाँ से इलेक्शन लड़ा जाए। अच्छा, ये अच्छा, इसके अलावा एक बात और बताइए मुझे, MQM पाकिस्तान हिस्टोरिकली एक क्लेम करती है कि MQM आवाम के मसाइल हल नहीं कराती और बाकी हुकूमतों को इसलिए छोड़ना पड़ता है MQM। आप पीपल्स पार्टी तकरीबन 15 साल होने वाले हैं पीपल्स पार्टी को मुसलसल इस शहर में इख्तदार में रहते हुए, उसके बावजूद भी आज भी अभी गुज़िश्तर उस बारिश होनी थी जो इस शहर का हाल हुआ, उसके बाद आप लोगों के पास क्या प्लान्स हैं ऐसे जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आप इस शहर के लिए या अपने इलाके के लिए कुछ कर सकते हैं? सबसे पहले जो लोगों के मसाइल हैं यहाँ इस टाउन में या कराची में, सीवरेज के और पानी के, लोगों को पानी नहीं मिलता है, लोग परेशान होते हैं पानी के लिए, और सीवरेज की भी यह हाल है कि सीवरेज के जो वर्कर्स हैं वो कम है, जितनी बड़ी आबादी है उसके लिहाज से यहाँ लेबर कम है सीवरेज वालों की, तो इसलिए ये काम नहीं हो, फिर दूसरे बजट भी नहीं देते हैं उसको इतना जो कर सके। तो हमारी पहली तरजीह ये होगी कि अपने इलाके में सीवरेज के मामलों को देखें और वाटर के मामलों को, पानी जो है वो साफ़ पानी लोगों को मुहैया किया जाए, तो हमारी पहली तरजीह होगी। तो तीसरी यह है कि लोग यहाँ गंदी गलियाँ हैं तो वो बहुत ख़राब हो गई हैं, वहाँ ड्रेन सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो गया है, तो उसकी तरफ भी तवज्जो देंगे कि ये बेहतर किया जा सके। अच्छा नैयर भाई, आपसे सवाल करूँगा मैं। नैयर भाई ये बताइएगा पहले मुख्तसर, आपके इलाके के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? अच्छा, इसमें आपके जो आपकी जो UC है इसकी आबादी वगैरह के हवाले से बताएं, कितनी आबादी है, किन किन लोगों पर मुश्तमिल है, और इसके अलावा उनका सबसे बड़ा बुनियादी मसले क्या है? सबसे यहाँ पे हमारी UC जो कुरंगी टाउन UC3 है, इसमें तकरीबन 42,000 वोटर हैं, ठीक है, आबादी इससे ज़्यादा वोटर की तादाद बता रहा हूँ। जी जी, बाकी जो नए वोटर रजिस्टर्ड, हाँ बाकी उसके अलावा काफ़ी बड़ी आबादी, मेरे हिसाब से 70-80 हज़ार की आबादी का ये पूरी UC है। सबसे बड़ा जो मसला है इधर पानी का मसला है, पानी का जो मसला है काफ़ी 3-4 साल से बिल्कुल पानी है ही नहीं इलाके में, हम लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक कहीं का पानी खुलवाया भी है मैंने, मेरे फेसबुक पे सारी वीडियो मौजूद हैं, सारी तस्वीरें मौजूद हैं, मैं खुद लगा हूँ दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, जैसे भी होगा अपने फंड से भी कर रहा हूँ, कुछ मेरी MQM पाकिस्तान मुझे सपोर्ट कर रही है उससे भी लगा पड़ा हूँ दिन रात ना, इंशाल्लाह जब मैं चेयरमैन बन जाऊँगा कोशिश करूँगा कि फिर तो मुझे ज़रूरत ही नहीं होगी किसी की, बस मेरी जैसी पार्टी हिदायत देगी वैसे मैं काम करूंगा, आवाम के मसले हल करूंगा, और मैं सियासत में इसलिए आया हूं कि आवाम के मसले हल करूं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको फंड्स में, अब जैसे अभी MQM ने दरख्वास्त दी है बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए, सही है, उस पर फैसला तो आना बाकी है अभी, लेकिन ये बताइए कि मुमकिन तो नहीं लग रहा आपके इंतखाबात मुलतवी होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ की बात बताइए, एक चीज़ बताइए कि अगर पीपल्स पार्टी ने वही किया जो माजी में आपके साथ होता रहा है तो आप क्या करेंगे, आवाम को क्या बोलेंगे, मतलब आप वोट मांग रहे हैं कि वो बोलेंगे आप तो उन्हीं के साथ बैठे हुए जो इस सारी चीज़ों को दबा के बैठी हुई, तो आप? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, बाकी पीपल्स पार्टी से भी इंशाल्लाह उन्होंने देख लिया है कराची के साथ, अभी 10-15 साल से वो चला रहे हैं, उन्होंने देख लिए कि MQM के बगैर कराची नहीं चल सकता, क्योंकि उन्होंने भी हमारा साथ दिया, बाकी आगे पीछे जो मामलाते हैं सारे हल करने की कोशिश कर रहे हैं,
कोशिश ये करेंगे हम अपनी आवाम के लिए खुद जो जितना जान मार सके हमारे MP हैं MNA हैं कोशिश करें उनके फंड से हम सारा काम कराएं और पीपल्स पार्टी भी हम उम्मीद है कि हमारा साथ दें क्योंकि हमारे बगैर यहाँ कराची में गवर्नमेंट उनकी नहीं चल सकती। 15 साल से पीपल्स पार्टी है और कराची का जो हाल हो चुका है वो सबके सामने, तो अब मतलब आवाम के मसाइल किस तरीके से हल करेंगे? क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग हुकूमत का पार्ट हैं अभी। असल में अभी जो मसाइल हैं तकरीबन 2-2.5 साल से बल्दिया टूटी हुई है, उसमें कोई भी उनका ऐसा मुंतखब नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ है, खाली सेक्टर्स पे चल रही है या जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं तो वो चला रहे हैं। जो लोकल सतह पे जब सिस्टम होता है तो लोकल लोगों के हाथ में इख्तियार होते हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरीके से चलाना है। तो अब ये अफसर नौकरशाही अफसरशाही वही चला रही है सिस्टम को। जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसमें मुंतखब लोग बैठेंगे, तो आपकी सुना ये है कि फ़ंड भी कुछ बढ़ाएंगे, कुछ इख्तियारात भी ज़्यादा देंगे, तो अगर कुछ इख्तियारात ज़्यादा दिए और फ़ंड भी दिए तो हम बेहतर अंदाज में काम करा सकेंगे। लेकिन ये कि बीच में तो फ़ंड आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि लोग हैं नहीं मुंतखब, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जो भी हैं वो अपने हिसाब से चला रहे हैं उसको। तो अब मसाइल ये थे कि आपका सवाल था कि जो 14-15 साल थे, असल में ऊपर सतह पर मामला होते हैं MP MNA इस सतह पर ये बातें होती हैं, यही सब डील करते हैं वहाँ मामला को ना, तो नीचे सतह पे तो हमें नहीं पता कि क्या मामला तो डील हो रहे हैं। आवाम तो जो जवाब देगा वो डायरेक्ट आपसे जवाब लेगा क्योंकि आप उन्हीं मसाइल को खुद भी फेस कर रहे हैं ना, आप वो मसाइल आवाम के साथ साथ आप खुद भी फेस कर रहे हैं। हमें तो अब जब जाहिर है कि 2-2.5 साल से तो बल्दिया DMC टूटी हुई है, सेलेक्टेड लोग बैठे हैं उसमें, जब हमारे पास वर्क आएगा हम बैठेंगे तो हम उसको समझेंगे और फिर सही जवाब देंगे आवाम को। कराची का सबसे बड़ा मसला ये बन चुका है कि सड़कों से पानी जाता नहीं और नलों में पानी आता नहीं है। नहीं, अब जाहिर है पुरानी लैंड 82 की लाइनें डाली हुई हैं इसमें, कुछ उससे पहले की पुरानी है, डैमेजेज हो गई वो लाइनें, अब ज़रूरत यह है कि नई लाइनें डाली जाएं, पानी की भी और सेवरेज भी, जहां खराबी तो वहां भी नई लाइनें डाल के दोबारा इस्टेब्लिश किया जाए इससे, वरना ये प्रॉब्लम बरकरार रहेगा। अगर इसको इस तरीके से नहीं करा दोबारा से तो ऐसे ही रहेगा, परेशान लोग रहेंगे। अच्छा नैयर भाई, आपसे सवाल, कितने पूर्व उम्मीद है अपनी जीत के लिए? मैं 100% हूँ। आप कह रहे हैं 100% जीत की उम्मीद है, तो 100% आपको लोग सवाल करते हैं, क्या कहते हैं कि आप जाते हैं कि अब तक हमारे मसाइल की, पहले इकबाल मोहम्मद अली साहब थे इसी इलाके से, फिर मेरे ख्याल में अबू बकर साहब भी आ गए अब, तो उसके अलावा भी ये इससे पहले आसिफ हसनैन भाई होते थे यहाँ से, तो आवाम के मसाइल क्यों नहीं हल हो पाते? आवाम के मसाइल जहाँ तक हुए हमने हल करे हैं तकरीबन, जब भी हमेशा जीतते हैं हम लोग ही इधर से ना, अब दिखाई नहीं देते बस लोगों को, जो सियासत की नज़र से देख रहे हैं उनको तो कभी भी नज़र नहीं आएंगे, मगर जितने भी हम आवाम के बीच में खड़े हैं, अबू बकर भाई भी हमारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हाशिम भाई भी अभी थोड़ा बीमार है इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, वो भी मेहनत कर रहे हैं, मगर कुछ थोड़े से एक होता है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मसला हल करें, और बल्दियात आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग तो फिर हजार बात है, जहाँ MPA और MNA देख रहे हैं यहाँ तो फिर बल्दियात में हर UC में 6-6 बंदे और बढ़ जाएंगे, तो और अच्छी बेहतरी से हम मामला हल करेंगे आवाम के। अच्छा ये जैसे यहाँ पे नाले वगैरह और जगह इतना अमूमन ये मसले मसाइल नहीं होते, यहाँ पे नालों का भी है लेकिन कवर्ड नहीं है नाले, मैं खुद देखा इस किस्म के, इसके लिए आपके पास कोई प्लान है कि इनको भी कवर्ड कराया जाए खुदा ना खास्ता कि कोई ऐसे हादसा नहीं हो, क्योंकि कराची में जो पहले बारिश होती थी वो इस हिसाब से नहीं होती थी जितनी बारिश अब होने लग गई है, या जिस लेवल की बारिश होने लग गई है कि खुदा ना खास्ता एक हादसा शाजमान में हुआ है, कि तो इसके हवाले से कुछ है? शाजमान में जो हादसा हुआ उसका बहुत अफसोस है मुझे, अल्लाह ना करे कभी कहीं और ऐसा हादसा हो, ठीक है। बाकी ये नाले वालों का तो मामला, इस पर भी काम चल रहा है इंशाल्लाह, हमारे पास जैसे इख्तियारात आएंगे थोड़े बहुत हैं, इतना काम नहीं है, नाले जो टूटे हुए उनको हम बनाएंगे, सबसे पहले यही काम करेंगे क्योंकि उसमें जान का जिया का खदशा होता है उसमें ना, अब कोशिश करेंगे कि ऐसे दोबारा वाक्य नहीं पेश आए, बड़ा अफसोसनाक वाक्य था ये। रईस भाई आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, आवाम को अपने सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे कि आखिरी मतलब इससे पहले माजी में जो हुआ आपको हमेशा वोट मिलता, जैसे इन्होंने बताया नैयर भाई ने कि हमेशा आपको वोट मिलता है, ये सीट आपके पास 30-35 साल से ये सीट आपके पास है, लेकिन आवाम के मसाइल हल नहीं हुए, तो इस दफ़ा क्या गारंटी है कि आवाम को वो सब कुछ मिलेगा जिसकी उम्मीद पे वो आपको मुंतखब करेंगे? नहीं, हमारी तो कोशिश ये होगी कि हम इसी नज़रिए से आए हैं कि हमें कुछ अल्लाह ताला ने नवाजा तो लोगों को खिदमत करेंगे, तो इससे पहले मैं इत्तेफाक से पहले भी DMC का चीफ कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ लांडी कोरंगी का, तो उस ज़माने में हमारे पास फ़ंड बहुत होता था तो बेइंतहा काम किया, अब अगर हमारे पास फ़ंड आया
और उम्मीद है कि फंड भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कराची हमारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है और हमारे इलाके में फंड नहीं दिया जाता है। मैं बताऊँ आपको, कोरंगी लांडी के क्रॉसिंग पे पुल है, ओवर ब्रिज बनना था, तो कयाम पाकिस्तान के बाद आज तक वो वहाँ कुछ नहीं बन सका। कुछ जरा सी बारिश में वो रोड बंद हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। हमने सीएम साहब को भी लिखा, फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पर बताया कि भाई इसको एक दफ़ा कोई पुल बना दें यहाँ पर, ओवरहेड ब्रिज बनाए, ताकि बारिश से जो कट जाता है लांडी कोरंगी शहर से, वो अपनी जगह बरकरार हो जाए। और हमसे सबसे ज़्यादा फंड 75% कराची देता, और लांडी कोरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी हमारा आज तक वो क्रॉसिंग का पुल इन्होंने नहीं बनाया। तो अगर हमें फंड मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे। और जो जो मसाइल हैं सारे, बल्दियात जो है वो बेसिक है। 1962 में अयूब खान ने बीडी निज़ाम बनाया था, बीडी मेंबर इलाके में छोटे छोटे, तो बीडी का मतलब बेसिक डेमोक्रेसी। तो छोटे छोटे मसाइल जो थे वो लोगों के चार चार आठ आठ दस दस गलियों में बनाए हुए थे, तो बड़ी आसानी से वो हल करते थे। अब जो काउंसलरशिप है, चेयरमैनशिप है, तो इसमें थोड़ा बढ़ा दिया है। और अगर इस तरह हमें फ़ंड मिला और अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त से नवाजा, लोगों ने हमें वोट दिए, तो यकीनन हम उनकी तवक्कात पर पूरे उतरेंगे और आवामी मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। चलें, इसमें सिर्फ एक चीज़ बता दें, आपका मुकाबला यहाँ पे किस जमात से? अभी तो कोई ऐसा मुकाबला तो हमें नज़र नहीं आ रहा किसी का कोई। मैं समझता हूँ अभी लोगों ने सही मालूम इन इलाकों में तो कंपेन भी शुरू नहीं करी है, तो हमें अंदाज़ा नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो भी आएगा इंशाल्लाह उससे लड़ेंगे, फाइट करेंगे और अल्लाह की तरफ से हमें। माजी की तरह या बैलेट बॉक्स पर? बैलेट बॉक्स में होता है, अभी भी इलेक्शन में बैलेट बॉक्स में हुए, वो तो माजी की तो बातें ख़त्म हो गई ना सारी। अब तो शायर है कि अभी जो इलेक्शन है उसमें आपने देख लिया, अभी आपने सवाल किया था कि टर्न ओवर कम इसलिए था कि मेरे ख्याल से उस दिन मौसम भी बड़ा गर्म था और फिर वर्किंग डे भी था, कुछ मामला भी थोड़े से इलाके में डिस्टर्ब हो गए थे। तो लेकिन अब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे और अभी भी साफ शफाफ है, हमारी तरफ से कभी किसी किस्म की कोई नई बात ऐसे सामने आई कि जो हम वो करें। दोस्तों, आपने देखा, आपने इनकी बातें सुनी, अज़्म है, काम करने का जज्बा है। आप सबसे गुजारिश ये है कि निकलें और वोट ज़रूर कास्ट करें, जिसको आप बेहतर समझते हैं, जो आप समझते हैं आपका घर की दहलीज पे आपके आपके मसाइल हल कर सकता है, उसको ज़रूर वोट दीजिए, ताकि आम आदमी को पता चले कि वो अपना नुमाइंदा जो मुंतखब कर रहा है वो कैसा है और वो आप में से ही हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और कराची अपडेट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।